क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट EVS, और हमारा टॉपिक चल रहा है व्हेन द अर्थ शूक। इसमें ये बता रहे हैं जब अर्थ क्विक आया था तब जो कच्छ में एक गांव में कैसे हुआ था, वहाँ पे भुज में एक कच्छ गांव था, वहाँ पे उनका सारा कैसे वो उसमें टूट गया, वो भूचाल में अर्थ क्विक में उनका सारा घर वर कैसे टूट गया, और कैसे उनके खाली सरपंच का घर बचा हुआ था, हॉस्पिटल सारा कुछ डैमेज हो गया, कैसे खाली उनके सरपंच का घर बचा हुआ था जिस सरपंच ने उनकी हेल्प की। अब हेल्प अराइवल्स, जब वहाँ पे ये सब कुछ हुआ उसके बाद जब गवर्नमेंट की तरफ से जो कि हेल्प आई वो कैसे तरीके से आई। फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज कैप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। कह रहे कुछ दिनों के बाद गांव से जब भूचाल के बाद शहरों से लोग आए देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ। दे केम विद वो फूड मेडिसिन एंड क्लोथ्स लेके आए, जो गांव से लोग आए शहरों से जो वहाँ पे लोग आए उन्होंने अपने साथ क्या लाया, खाना लाया, फूड्स मेडिसिन दवाइयाँ लाई और क्लोथ। एवरीवन यूज टू रश टू टेक दीज थिंग्स, हर एक जो उसको चीज़ें लेने के लिए वो झुंड में वो जा रहा था, उनको पकड़ने की वो चीज़ें पकड़ने के लिए रश में वो जा रहे थे। द क्लोथ दैट वी गॉट वेर वेरी डिफरेंट, जो कह रहे थे वो लड़की कह रहे जो कपड़े उनको मिले वो थोड़े बिल्कुल अलग थे जो वो पहनते थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर, वो कह रहे थे हमने वैसे कपड़े आज से पहले कभी नहीं पहने थे जैसे कपड़े उन्होंने उसमें वहाँ पे उन्होंने दे दिए जो शहर से लोग आए थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप टेंट, तो कह रहे थे लोगों वहाँ पे शहरों से बहुत सारे ग्रुप्स में लोग आए, बहुत अलग अलग ग्रुप से लोग सिटी से आए जिन्होंने इनकी हेल्प की टेंट लगाने में। सेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर माउंटेन्स आर वेरी डिफिकल्ट, कहते हैं ठंड के दिनों में उस टेंट में सोना बहुत मुश्किल का काम था। सम ऑफ दीज पीपल्स वायर साइंटिस्ट, उनमें से आधे लोग कहते हैं जो वह साइंटिस्ट से, दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांस ऑफ हैविंग एन अर्थक्विक, वो देख रहे थे, वो साइंटिस्ट जो लोग थे वो देख रहे थे कौन सा एरिया जहाँ ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक होने के। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टेक टू देम मनी टाइम्स, हमारे गांव के लोग उनके पास बहुत बार गए टाकर उनसे बातें की क्या हो जाएगा, कि उनसे सजेशंस ली। दे हैड सजेस्ट अबाउट बिल्डिंग आवर होम्स अगेन, उन्होंने हमें सजेशंस दी कि हम अपने घर कैसे दोबारा बनाए। इंजीनियर्स आर्किटेक्ट शोज अस सम स्पेशल डिज़ाइन फॉर होम, जो हमारे इंजीनियर जो आए थे सिटी से, जो आर्किटेक्ट्स आए थे जो डिज़ाइन देते हैं वो आए हैं, उन्होंने हमें अलग अलग डिज़ाइन दिए जिससे हम अपने घर बना सकें और हम सेफ रखें, अर्थक्वेक में भी हम सेफ रहे। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज, कह रहे इस डिज़ाइन से जो हमारे घर हैं वो डैमेज नहीं होंगे मच इन एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। बट आवर पीपल वायर ए लिटिल एफरेबल, जो हमारे गाँव के लोग थे वो थोड़े डरे हुए थे। दे थाट इफ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउस आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, वो सोच रहे थे अगर इन शहर वालों ने हमारा घर गाँव घर बनाए तो हमारा गाँव पुराने गाँव जैसा नहीं लगेगा, यह सारा चेंज हो जाएगा। सो द विलेजर्स थाट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउस विद देयर हेल्प, उन्होंने सोचा नहीं हम अपना घर खुद बनाएंगे पर उनकी हेल्प से, किनकी, जो बाहर से ये साइंटिस्ट आए थे, इंजीनियर्स आए थे, आर्किटेक्ट, उनकी हेल्प लेंगे पर उन्होंने अपने घर खुद ही स्टार्ट कर दिए बनाना। द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, उन जो ग्रुप जो आया था उन्होंने गाँव का स्कूल भी बनाया था जो कि डैमेज हुआ था अर्थक्वेक की वजह से। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रिबिल्ड आवर विलेज, कह रहे हम सारे मिलजुल के हमारा गाँव फिर से बनाने की तैयारी में कर तैयारी बना रहे थे। सम पीपल डग एंड ऑफ द क्ले विद द पॉन्ड्स फ्रॉम द पॉन्ड्स, आधे क्या कह रहे थे मिट्टी ला रहे थे, आधे खोद रहे थे, वो सारे अलग सारे काम को जुट गए थे। वी मिक्स द क्ले विद काउ डंग एंड मेड लार्ज केक, कह रहे थे हमने वो गोबर लाया, मिट्टी लाया, उसे हमने वो बना रहे थे जिससे हम वो केक टाइप के वो बना रहे थे, वो मिट्टी बना के उनको मिक्स करके। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, हमने उसको एक दूसरे के ऊपर बनाए ताकि हम उसकी वो दीवार बने, किसकी, गोबर और मिट्टी के वो बनाए थे, वो केक टाइप के जिससे अलग अलग वो पीस बनाए थे जिससे वो अपने वो घर के दीवारें बना सकते। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेट देम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड स्मॉल पीस, कह रहे हैं वो हमने घर को वाइट वॉश किया और उसको अलग अलग डिज़ाइन बनाए और पीसेज ऑफ मिरर्स उसमें शीशे लगाए जिससे हमारा गांव थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन किया हमने वो बनाए। वी पुट अप द थ्रेशड रूफ, हमने उसके ऊपर वो ये थ्रेशड रूफ, थ्रेशड मीन्स घासन हूँ छत बनाओ, वी पुट थ्रेशड रूफ, नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक
डायमंड इन द डार्क नाइट, हमारे घर ऐसे लगे जैसे कि वो हीरे चमक रहे थे। हम ये देखो इन्होंने अपने घर के ऐसे अलग अलग डिज़ाइन के बनाए, गोबर के ऐसे इन्होंने बनाए ये। उसके बाद उन्होंने अपने घर के छत ऐसे जिसके घास के ऊपर घास लगाई, घास के ऊपर दीवारों पे अच्छा अलग अलग डिज़ाइंस लगाए, उसमें शीशे बनाए, ऐसे उन्होंने अपना घर सजाया। ओके थैंक यू। अब वो निकल एड्स का वो